मुद्दे दोनों हैं, स्थानीय भी है और विकास भी है। आज पूरे क्षेत्र में सड़कें खुदी पड़ी है। सर गोलू शुक्ला वहाँ से जीतने वाले हैं क्योंकि पिंटू भैया वहाँ पे आए नहीं है, पिंटू जोशी जी आए नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े स्तर पर आज की तारीख में बेरोजगारी है, फिर रहने वाले और भाजपा की सरकार जाने वाली है और कमलनाथ जी आने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार चलेगी तो देश चल पाएगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, अगर चलेगी तो ही देश चल पाएगा। आपके ऊपर कोई अच्छा व्यक्ति बैठा है तो आप उसके अंडर में काम कर लोगे, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आपको मालूम है कि वो देश चला ही नहीं सकता तो उसके नीचे काम करने का मतलब भी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से हमारे चैनल मृदुभाषी में। इस वक्त हम हैं इंदौर के मशहूर राजवाड़ा चौक में, जो यहां शराफा मार्केट है उसमें, और आज जो है शराफा में जिस तरह की चहल पहल है, लोग यहां पर नॉर्मली खाने के जायजे के शौकीन लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज देखा यहाँ पर सोने चांदी की दुकानें भी बहुत देर तक खुली हुई है ताकि लोग जो है पुष्प नक्षत्र की वजह से यहाँ पर लोग दिवाली की तैयारियों में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन दिवाली की तैयारियों के साथ एक तैयारी मध्य प्रदेश में पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही है और वो है चुनावी तैयारियाँ। वैसे तो हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं आप देख सकते हैं सभी तमाम लोग, जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर नॉर्मली लोग पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर वैसे तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 ये लगता है और यहाँ पे भी गोलू शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और दीपक पिंटू जोशी जो कि कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी है, जिनका परिवार बहुत लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार बनते रहे और जीतते भी आए, तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है युवा जो कि बताएंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है और किस तरह यहाँ पर युवा सोचता है कि कौन किसका पलड़ा भारी है, किसने कैसा काम किया है, तो युवाओं से बात करेंगे आज। बताइए सर कैसा क्या माहौल है, अभी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 है, ये कैसा माहौल है? बहुत शानदार माहौल है, एक युवा चेहरे को विधानसभा 3 की जनता मौका देना चाह रही है और वह युवा चेहरा इस क्षेत्र का विकास करेगा जिसका नाम है पिंटू जोशी। लगातार 5 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, विरोध प्रदर्शन हो, उन्होंने हमेशा हर मुद्दे पे जनता की आवाज़ उठाई है, तो क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देगी। उनके पिताजी स्वर्गीय महेश जोशी जी भी इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहे, उनके भी बहुत विकास में लंबी देन है, इसलिए इस बार क्षेत्र की जनता युवा चेहरे को मौका देने जा रही है। तो जिस तरह की क्षेत्र की जनता युवा चेहरे को मौका देने जा रही, तो युवा तो गोलू शुक्ला भी है सर, स्थानीय का मुद्दा है यहाँ पर, चुनाव स्थानीय उम्मीदवार के उस पर हो रहा है। गोलू शुक्ला बोल रहे हैं कि बोले स्थानीय तो मैं हूँ, ये लोग बाहर गए। पिंटू जोशी जी लगातार उनके बड़े भाई साहब चुनाव लड़े, उनके पिताजी चुनाव लड़े, अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्षेत्र में लगातार संपर्क है, उनके मोबाइल में क्षेत्र के हर व्यक्ति का डाटा है, तो इस बार चुनाव तो वो जीतने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे? स्थानीय मुद्दा होगा या फिर विकास का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा? मुद्दे दोनों हैं, स्थानीय भी है और विकास भी है। आज पूरे क्षेत्र में सड़कें खुदी पड़ी है, ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी, इस विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, आज भी शाम को इतना ट्रैफिक हो रहा था। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, वैकेंसी कोई आती नहीं है, आती है तो वो होल्ड हो जाती है। अच्छा, वैकेंसी आती नहीं है सर, आप कहाँ से, किस क्षेत्र से हैं और अभी फिलहाल में क्या लग रहा है आपको? जैसे भाई ने बताया कि वैकेंसियाँ आती नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जब स्टार्टिंग में बिल्कुल फुल फॉर्म में थे हमेशा हर साल PSC निकालते थे, क्या रह गया इस समय, मतलब क्या युवा सोचता है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 3 नंबर से ही आता हूँ, दुर्गा नगर में मेरा घर है और इस बार पूरे जोरों शोरों से गोलू शुक्ला वहाँ से जीतने वाले हैं क्योंकि पिंटू भैया वहाँ पे आए नहीं है, पिंटू जोशी जी आए नहीं है। इससे पहले जो राजनीतिक काल देखे अश्विन जोशी का, उनको हरी माता के उधर नगर आता है, पालदा में, पालदा राव विधानसभा, पालदा की दो पट्टियां हैं, एक नंबर राव और एक 3 नंबर में आती। मुझे एक बात, धार्मिक आयोजन के माध्यम से चितावत में अभिनव नगर में पिंटू जोशी ने कार्यक्रम करवाए हैं, भाई साहब बोल रहे हैं कि पिंटू जोशी जी वहाँ आते नहीं है, शिव अभिषेक के माध्यम से, पार्थिव शिवलिंग के माध्यम से, रुद्राभिषेक के माध्यम से, घर घर बिल पत्री के माध्यम से वो एक एक घर तक पहुँचे हैं और एक एक घर तक उनका सतत जनसंपर्क है। तो कुल मिला के स्थानीय नेता के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि क्षेत्र में पिंटू जोशी जी का दबदबा ज़्यादा है और वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारी है। बिल्कुल भारी है,
बिल्कुल भारी है। किस तरह से आप कहते हैं कि जब स्थानीय लोगों का मुद्दा आता है, भाजपा के कौन से ऐसे काम है जिसको देखकर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन सकती है या फिर उनका कैंडिडेट जीत सकता है? जो अश्विन जोशी इसके पहले रहे हैं विधानसभा 3 से, तो उनको पानी वाले बाबा कहा जाता था। एक जो पानी की छावनी और इस टाइप के इलाकों में जो समस्या थी, उस पर अश्विन जोशी ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी बात है। बट उसके अलावा उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा। इसके बाद अभी आकाश विजयवर्गीय जो है 3 नंबर से आए हुए हैं। आप रोड की हालत देख लो, स्ट्रीट लाइट देख लो, पानी की समझ, मतलब पूरी तरीके से वो कम्प्लीटली उन्होंने क्लियर कर दिया। और इसके बाद तो फिर पार्टी ने टिकट को बताऊं, एक करके बात करेंगे। अगर आकाश विजयवर्गीय ने बहुत अच्छा काम किया है तो पार्टी ने फिर उनका टिकट क्यों काट दिया? पार्टी विचारधारा की है, हम है ना इस तरह की विचारधारा से नहीं चलते हैं कि भैया पिताजी को भी टिकट मिल गई है, बेटे को भी टिकट मिल गई, उसके बेटे को भी टिकट मिल गई है। इस टाइप से जो परिवारवाद जो चल रहा है वो ये पूरी तरीके से ख़त्म है। आकाश विजयवर्गीय ने खुद से आगे से पत्र लिखकर बोला है कि ये इस टाइप से मुझे टिकट नहीं दिया जाए और एक ही टिकट मिलेगा पूरे घर में से। तो एक ही टिकट मिलेगा पूरे घर में से बताया, तो फिर जैसा भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी के अनुसार उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी को 1 नंबर से उतारा तो उनको उनकी टिकट मिल गई, तो उनके लड़के को टिकट नहीं मिली। यहाँ पर रहा है कि कांग्रेस के पास स्थानीय बात के अलावा और कौन कौन सा मुद्दा है या फिर कितनी तैयारी जो है इस समय कांग्रेस की मजबूत दिखाई दे रही है? पूरे आप बात करें, आपका एक क्षेत्र है 1 नंबर, उसमें भी बहुत कसमकस मुकाबला चल रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी और संजय शुक्ला जी के बीच में, है ना, हर जगह स्थिति ऐसी बन रही है। तो क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा एक ऐसा है जो पब्लिक को, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो लाडली बहना योजना में, जो उनको क्रियान्वयन उनका हुआ है और लाडली लक्ष्मी योजना में उनका फॉर्म जब भरने के बाद 1000 रुपये 1200 रुपये उनको मिल रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस समझती है कि किस तरह एक ऐसा उनका मुद्दा होगा जो जनता को अपनी ओर खींचने में, आकर्षित करने में फ़ायदा उनको देगा? प्रतीक भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है बेरोजगारी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े स्तर पर आज की तारीख में बेरोजगारी है और महंगाई जो एक टाइम पे माननीय इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी सिंड्रेला बन के सिलेंडर पर नृत्य किया करती थी। जब 600 दाम थोड़ा सा बढ़ जाते थे तो दिल्ली के इंडिया गेट के पास बैठ के सिलेंडर को साथ में लेके, आज जब 1000 रुपये दाम है तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि वो कहाँ है। एक घटना हो जाती है राजस्थान में तो वो जब ही बाहर आ जाती है ट्विटर पर ट्वीट कर देती है एक हाथी के मरने पे, और जब ये मणिपुर की घटना हुई नरसंहार कर दिया गया वहाँ पे। जब इनकी मंत्री जी कहाँ पे थे? महिला सशक्तिकरण की बात करी, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब अपने पहलवान फोगट बहने जब अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आई, तब मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री आवास में उनको वो भोज पे बुलाया, फोटो खिंचाए, और आज जब उनका यौन उत्पीड़न हुआ और उनके ही मंत्री नहीं किया तो उसको शरण दे दी, पर हमारी जो महिला पहलवान थी उनको एक बार भी नहीं पूछा। जब कुछ बात देश हित की हो जाती है तो मोदी जी जब भी फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं। और आज की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव है इसमें सारे मुद्दे हावी रहने वाले हैं और भाजपा की सरकार जाने वाली है और कमलनाथ जी आने वाले हैं। तो भाजपा की सरकार जाने वाली है, कमलनाथ जी आने वाले, महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है, अभी उन्होंने महिलाओं के लिए फिर से आरक्षण वाला कानून सब निकाला, लेकिन मणिपुर वाली घटना है कहीं ना कहीं दिल को जो है दुख पहुंचाती है, ऐसा इन्होंने कहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? मणिपुर की जो घटना है वो शर्मनाक है, जो हुआ है उस पर गृह मंत्रालय ने डे टू डे रिपोर्ट मांगी है और उस पर डे टू डे उन्होंने संसद में जो है उस पर लंबी बहस के लिए इनको बुलाया है। अब आप आएंगे, बिल फाड़ के चले जाएंगे, हंगामा करेंगे, आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे। आप बाहर बस उस पर हंगामा करना चाह रहे हो कि मणिपुर में कोई बात नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, आप करना नहीं चाह रहे उस पर? भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मणिपुर की घटना हुई तो उसके 3 महीने बाद मोदी जी जागे हैं। जब वो एक महिला को निर्भ्रस्त करके उसका वीडियो वायरल हुआ, जब जाके महिला की नींद खुली है, मोदी जी की नींद खुली है, जब तक भी विपक्ष ने मुद्दा उठाना चाहा
तो भी सब दबा दिया गया। मुद्दा जो भी विपक्ष उठाता है संसद में, ऐसे तो लोकतंत्र है अपने देश में, सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन जब मुद्दा संसद में उठाया जाता है तो कैमरे और माइक बंद कर दिए जाते हैं। कैमरे और माइक बंद कर दिए जाते हैं। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से? मैं तो अभी यहाँ लोकल का दुनिया हूँ, मैं शाजापुर से। शाजापुर, शाजापुर से हुकम सिंह कराड़ा। हुकम सिंह कराड़ा। अभी और सामने अरुण भीमावत। अरुण भीमावत जी, बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है? मध्य प्रदेश में वैसे तो कांटे की टक्कर है, मगर बीजेपी की सरकार बन सकती है। युवा क्या चाहता है? युवा तो अभी फिलहाल तो बीजेपी की सरकार ही चाह रहा है। नहीं, किस मुद्दे पे चाह रहा है? इस मुद्दे पर चाह रहा है कि जनसंख्या मुद्दा है मेरे हिसाब से। तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है, वैकेंसियों का ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है खाली कि अपनी वैकेंसियां कम हो गई है। बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ गई इस वजह से बेरोजगारी है, क्या कहना चाहेंगे साहब? मेरे को लगता है भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी को ऐसे नहीं आका जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या बढ़ी है तो लोग के उतने पद भी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि पटवारी पहले 100 लोग पे हुआ करते थे, तो आज भी वो 100 लोग पे पटवारी की एग्ज़ाम करा ली, उसमें भी घोटाला कर दिया। ऐसी कौन सी एग्जाम हुई है मध्य प्रदेश में जिसमें घोटाला नहीं हुआ? उन पर क्या बोलना चाह रहे भाई साहब ने जो बोला ना, बेरोजगारी की बात चल रही है। देखो भाई साहब, सीधी सी बात तो ये है, ये कहना चाहूँगा कि जनसंख्या बढ़ गई अपन सबको मालूम है, तुमको भी मालूम, मेरे को भी मालूम है, ठीक है। अब चाइना में जनसंख्या बढ़ी, वहाँ पे बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ी? वहाँ पे बंदों के पास में स्किल्स है, आप अपनी स्किल्स डेवलप करो, काहे के लिए आप रोजगारी के पीछे भाग रहे हो? हैं मोदी जी आपके घर पे क्या निवाला लेने आएंगे कि तुम्हारे मुंह में? एक बात बता दो मुझे, स्किल डेवलप। मैं तो बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ स्किल डेवलप हो। पर जब लोकतंत्र, जब लोकसभा का चुनाव था तो यही मोदी जी अपनी छाती चौड़ी करके बोलते थे 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा हर साल, नहीं बोलते थे? बता दो ना, उज्ज्वला योजना किसने निकाली? जिसका कुछ पता ही नहीं है। जिसका कुछ पता ही नहीं आपको? अच्छा, 3 करोड़। आज भी उज्ज्वला योजना में एक एक करके बोलेंगे। देखो ध्यान से बात सुनना है ना, उज्ज्वला योजना निकाली, महिलाओं जो धुएं में उनका आँख में धुआं लगता था, आंसू निकलते थे, ठीक है। मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, ठीक है। उसके बाद में सुनो, आयुष्मान, तो आपके पापा जी जाके पूछना कि आयुष्मान कार्ड क्या है। आज आप भी वक्त होंगे आयुष्मान कार्ड के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरी बात सुनो, अब आज अपन 5G चला रहे हैं पाकिस्तान में, देखो 2G भी ठीक से नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद में ये मेट्रो इंदौर में डल रही है, ठीक है, और कितनी चीज़ें गिनाओ। दूसरी बात सुनो, राम मंदिर बन जाता क्या कांग्रेस के राज में? वो 370 हट जाती क्या? 300 आप बताओ। नहीं मेरी बात सुनो, राम मंदिर का चलो ठीक है कि पक्षपात है, चलो हिंदू मुसलमान कहीं भी नहीं उसमें, लेकिन 370 तो अपने देश का मामला था ना। 370 हटानी थी कि नहीं थी? नहीं, तुम मेरे को ये बताओ। लेकिन कांग्रेस के राज में 70 साल में हट गई क्या? नहीं हटी ना। तो बोलो जय मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी क्या? देखिए एक और बता रहा हूँ आपको। एक होता है मुद्दा जो देशव्यापी मुद्दे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी की बात चलती है, कहीं ना कहीं युवा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद पटवारी घोटाले जैसी परीक्षा, बड़ी परीक्षाओं में घोटाला हो जाता है मान लो, तो उसमें जो मेहनत करने वाला इतने सालों से लगा हुआ प्रत्याशी है, जो पार्टिसिपेंट है, जिसने पटवारी की एग्जाम दी है, ऐसे लोग निकल के आते हैं जिनको क ख ग भी नहीं पता और बेसिक नॉलेज नहीं पता है, उन लोगों ने पटवारी की परीक्षा में टॉप कर दिया। तो अगर ये मुद्दा उठता है तो किस तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी सामने आके करती है कि हम? मैं बताता हूँ उसके विषय में। आपने देखा होगा ग्वालियर में 2000 बच्चों ने एग्जाम दी थी, 2000 के 2000 उनमें पास हो गए थे, वही मुद्दा आप बता रहे हो ना घोटाले का। उसके बाद में आप एक बात बताओ, न्याय प्रणाली पे तुम्हारे को विश्वास नहीं है क्या? उन लोगों ने क्या वापस उसके पटवारी की परीक्षा को भी रद्द रखा है कि नहीं रखा है? तो न्याय प्रणाली का आने का इंतजार तो करो, जो न्याय प्रणाली है उसके हिसाब से काम होगा। ऐसा थोड़ी कि आज के आज में फैसला हो जाएगा, काम तो चल ही रहा ना उसके ऊपर, केस तो चल ही रहा ना, तो जो समय लगना उसको लगने दो, उसके बाद में जो नतीजा लिखता उसके बाद में मुझे बता। सरकार ने उसको रोक लगा दी है, लगाई है ना, ये थोड़ी कि जो लोग लायक नहीं थे उनको पद दे दिया हो, पद तो नहीं दिया ना उन लोगों ने जो विधानसभा 3 में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, किसका दबदबा मजबूत लग रहा है? अरे दबदबा तो देखो ऐसा है कि जिनको जनता चाहती है उन्हीं का रहता है, लेकिन अभी मैं बता दूं तो वैसे भाजपा ही हर तरफ से जीतने वाली है। तो सिर्फ भाजपा निशान या व्यक्तिगत राजनीति या व्यक्तिगत छवि देखना? व्यक्तिगत, मेरी बात सुनो, बात यह है कि शिवराज मामा के पक्ष में ज़्यादा लोग नहीं होंगे मेरे को मालूम है, लेकिन बात यह कि शिवराज मामा मजबूरी है लेकिन मोदी जरूरी है। मोदी जी जरूरी है वो लोकसभा चुनाव में, अभी तो बीजेपी ने कोई चेहरा दिखाया नहीं है।
बीजेपी ने चेहरा क्यों नहीं, नवरत्रम मिश्रा जी कितना अच्छा चेहरा है, क्या बुरा है क्या? पांच छह चेहरे है ना, एक एक चेहरा नवरत्रम मिश्रा जी को अगर खड़ा कर देंगे तो यहाँ का सब हिंदू एक एक होकर के वोट दे देंगे, और उसके बाद में भी वो ऐसी बात नहीं है कि वो एक के ऊपर के काम कर रहे हैं। जो भी अगर योजनाएं निकलती है तो कोई आपके लिए और मेरे लिए नहीं होती है, वो कोई पक्षपात होकर के नहीं होती है। अगर मेरे घर पर भी अगर वो सिलेंडर आ रहा है तो दूसरे के घर पर भी उतने में ही आए। शिवराज जी की अधिकतर योजनाएं जो अभी तक निकाली उन्होंने, आप बोल रहे हैं हिंदू वोट दे देंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका अल्पसंख्यक लोग बढ़ चढ़कर हिंदुओं से ज्यादा फायदा लेते हैं। फिर इस बारे में आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी को खड़ा कर दिया तो पूरे हिंदू एक तरफ वोट देंगे, फिर मुसलमान कहां जाएंगे? नहीं नहीं, मुसलमान क्यों नहीं, मैंने आपको उसके बाद में यही पक्ष रखा मेरा कि जो भी योजना वो निकालते हैं उसमें ना तो आप ना मैं उनको तो देखते नहीं है। अभी जैसे यूपी में योगी जी हैं, ठीक है, 3.5 करोड़ घर किसको मिले, मुसलमान को भी मिले ना, तो योजनाएं निकलती है उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। तो जो तो जो अगर देखो डबल इंजन की सरकार चलेगी तो देश चल पाएगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, अगर चलेगी तो ही देश चल पाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे भाजपा, तो देश नहीं चल पाएगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी, मेरे को माननी पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार के चलते अगर कोई ऐसा प्रत्याशी जिसने, अगर मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक की बात करूं तो वहाँ पे संजय शुक्ला भी सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, केला विजयवर्गीय भी सबके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, दोनों की कांटे की टक्कर बता रहे हैं। अगर डबल इंजन की सरकार में किसी एक का नुकसान हो जाता है, जिस इंसान ने रात भर कोरोना के समय बहुत काम किया हो, जिसकी छवि जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं संजय शुक्ला जी, तो क्या व्यक्तिगत आदमी की छवि नहीं देखी जानी चाहिए चुनावों में, या फिर एक सिर्फ भाजपा को या फिर मोदी जी को वहाँ पे केंद्र में देखकर ही डिसाइड करते हैं आजकल के युवा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बात ये भाई साहब, देखो मेरी बात सुनो, आप जैसा मान लो आप हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई अच्छा व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप उनके अंडर में काम कर भी लोगे, ठीक है, मेरा इशारा समझना, आपके ऊपर कोई अच्छा व्यक्ति बैठा है तो आप उसके अंडर में काम कर लोगे। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आपको भी मालूम है कि वो देश चला ही नहीं सकता, तो उसके नीचे काम करने का मतलब भी क्या है? कुल मिला के क्या लग रहा है पिंटू जोशी? ये तो डबल इंजन की सरकार की बात हुई, अब आपको क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार या फिर चेहरा देखकर वोटिंग? चेहरा देख के वोटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा देख के ही वोटिंग करी थी सबने, नहीं करी थी? अरे तो चेहरा था ना, बात सुनो ना, चेहरा किसका था? चेहरा सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ उस समय क्या हुआ था, मैं बता देता हूँ ना। ठीक है, चेहरा उनका ही था और उनके उस पे ही वोटिंग। आज यदि मध्य प्रदेश में सरपंच के भी चुनाव होते ना तो मोदी के नाम पे ही वोट पड़ते हैं, तो क्यों आपके? बिल्कुल, मैं तो 70 साल से राहुल गांधी को नहीं देखा क्या हमने? 70 साल से राहुल गांधी कौन से उसमें हो भाई? किलोमीटर सुनो, 70 साल से राहुल गांधी है, 70 साल हो गए, 2 मिनट, 10 मिनट, कांग्रेस थी सुनो, 70 साल से कांग्रेस थी। तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में काफी उत्साह है यहाँ पर, और एक बात ये साफ है कि डबल इंजन की सरकार देखना है यहाँ पर लोग चाह रहे हैं, लेकिन पिंटू जोशी जी के भी बहुत सारे समर्थक है जो कह रहे हैं कि पिंटू जोशी जी यहाँ पर स्थानीय नेता है जो कि दुख दर्द जनता का समझते हैं, उनके भी समर्थक है, तो कहीं ना कहीं लोग भाजपा और मोदी को देखकर, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक की खास पेशकश में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मृदुभाषी। कैमरामैन अंशुल के साथ प्रतीक भावसार, धन्यवाद।